मैं हाई कोर्ट के अपने न्यायाधीश महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार की व्यथा को समझा और जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षित जो हमारे बच्चे हैं बेटियां हैं इनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के पक्ष में निर्देश दिया। मैं पूरे प्रदेश के बच्चों की तरफ से सरकार की तरफ से मैं न्यायाधीश महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डीएलएड बच्चों को डीएलएड की ट्रेनिंग प्रशिक्षण सरकार ने कराया जी और योग्य बच्चों को इनको नियुक्ति देना सरकार की जिम्मेवारी थी। हमने उस कड़ी में लगातार सकारात्मक प्रयास किया। ये सब बच्चों का मन भी जानता है कि हमने कोई राजनीतिक बयान कभी भी नहीं दिया। जहाँ समस्या थी उस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमेशा हम एक जैसा भूखा आदमी होता है ऐसी हमको भी भूख थी कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और हमको भी ट्रेंड और योग्य शिक्षक की आवश्यकता थी। उसी कड़ी में हम लोगों ने काम किया। आज हमको न्यायपालिका से बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूँ और बच्चों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी मैंने बैठक की है। मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आया, बिल्कुल हम भी योजनाबद्ध तरीके से आए कि हमारे बच्चे कई जगह कई हमारी बेटियाँ हैं। कोई भी माँ बाप अपने बेटियों को जवान बेटियों को घर से जल्दी नहीं भेजता, भेजता तो बहुत चिंता करता है। मुझे बहुत कई बार आप यकीन पता नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे आप क्या सोचते होंगे उनकी बेटियां हैं आंदोलन में बैठी हैं घर छोड़ के 15-15-20 दिन से। हमको बड़ी अफसोस होता था लेकिन हमने ईमानदारी से बड़े मन से और सकारात्मक हमने काम किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अधिकारियों से बैठक ली और इनको स्पष्ट निर्देश दिया हमने कि बहुत ज़्यादा तो 18 से 20 दिन इतना समय पर नहीं लगना चाहिए। इससे कम समय में ही बच्चों के इनकी काउंसलिंग हो जाए और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया और मैं बच्चे को इनाम मिला। बेटा आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं प्रार्थना करूंगा बेटा आप लोगों ने देखा होगा अपने मन में सोचना कि जब तुम पढ़ते होगे ना दिन प्रतिवर्ष छात्र संख्या विद्यालय शिक्षा की सरकारी स्कूलों की घटती गई। ये आप लोग बेटा आपके आशीर्वाद से आपके अभिभावकों के सहयोग से हमारी सरकार के पूर्ण मनोयोग से जो हमने काम किया है पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ी मात्रा में विद्यालय शिक्षा में आम जनता ने विश्वास किया है और उनके बच्चों का दाखिला हुआ है। और मैं जानता हूँ कि जब ये हमारे नई फौज है जिस दिन ये शिक्षक बन के आएंगे मैं इन योग्य शिक्षकों की मैं भाषा को इनकी शक्लों को जानता हूँ।